आसिफ हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्लास प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे थे, तो यस सर। क्या पढ़ा था? पहली चीज प्रोबेबिलिटी क्या शो करता है? चांस। यस सर। ठीक, तो एक चीज हमने ये पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी जो होगी हमेशा जीरो से वन के बीच में होगी, इंक्लूडिंग यस सर। दोनों वैल्यूज होंगी, पी इजिकल टू जीरो भी हो सकता है, पी इजिकल टू वन भी हो सकता है, और उसके बीच की सारी वैल्यूज। तो पी इजिकल टू जीरो जिस इवेंट के लिए होगा उसे हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यस सर। प्रोबेबिलिटी जीरो मतलब इम्पॉसिबल, और प्रोबेबिलिटी वन श्योर इवेंट, यानी हमेशा ऐसे ही होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, और प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फार्मूला यूज करेंगे हम। हेलो, हाँ सानिया, गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास प्रोबेबिलिटी हम रिवाइज कर रहे हैं, पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो हम यूज करेंगे नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम की एक ही फार्मूला है, हर क्वेश्चन में यही फार्मूला लगेगा। यस सर। होगा कि आपको इंटीग्रेबल आउटकम निकालने होंगे और टोटल आउटकम, अगर ये दोनों चीजें सही निकल जाए तो प्रोबेबिलिटी में सीधे डिवाइड कर देना। चीज और समझ लो, जब हमने क्वेश्चन कर रहे थे कॉइन टॉस अ कॉइन, तो कितने आउटकम होंगे इसमें? दो। टू आउटकम भी हो सकते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। टेल। अगर टू कॉइन कर दें हम टॉस में तो कितने आउटकम हो जाएंगे? फोर। फोर। यस सर। हेड हेड हो सकता है, हेड टेल, टेल टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड टेल। ठीक है, अच्छा थ्री कॉइन कर दे। यस सर। सिक्स हो जाएंगे। नाइन हो जाएंगे सर। नाइन। यस। होंगे एट। यस सर। वन कॉइन है, इसका फार्मूला होता है ये टू रेस टू की पावर एन। यस सर। यस सर। कॉइन है तो टू पावर वन, टू कॉइन्स है तो टू रेस टू द पावर टू, थ्री कॉइन्स है तो टू रेस टू द पावर थ्री। यस सर। ठीक, याद रखना ये फॉर्मूला। यस सर। जैसे रोलर डाइस तो कितने आउटकम होंगे? सिक्स। वन डाइस है तो ये yes, रेस टू द पावर वन। अगर टू डाइस कितना होना चाहिए? 36। 36। अगर थ्री डाइस तो आउटकम कितने बन जाएंगे? 60 पावर थ्री। पावर थ्री यानी कि वन 36 into 6, 216. Yes, sir. तो ये भी ध्यान रोलर डाइस में आउटकम सिक्स है तो फार्मूला लगेगा 6 to the power n। तो
यस सर। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि अगर हमने होल टू डाइस टुगेदर, दो डाइस रोल किए हमने, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी पॉइंट डबलेट। डबलेट क्या होता है? सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, यानी दोनों डाइस पे सेम आने चाहिए। अगर वन है तो दोनों पे वन हो, टू है तो दोनों पे टू हो, इस तरह। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बताना है। तो अभी जो हमने पढ़ा, आउटकम्स कितने होंगे? 36 टोटल आउटकम्स हो जाएंगे इसकी पावर 2 यानी 36। और बनेगा कैसे देखो, आउटकम का सेट शो कर रहे हैं सेट। देखो अगर पहली टाइप पे 1 है तो दूसरे पे 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है या 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। पहले को हमने फिक्स कर लिया, फर्स्ट डाइस पर 1 है, सेकंड डाइस को चेंज कर रहे हैं, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 केसेस तो ऐसे हो जाएंगे। क्या करेंगे हम, फर्स्ट को 2 कर देंगे, यही आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बना रहा हूं मैं? अब फर्स्ट डाइस पे हम मान लेते हैं 3 और सेकंड को ऐसे चेंज करते रहते हैं। फिर 4 और लास्ट में बनेगा 6। कि फर्स्ट डाइस पे हमने मान लिया 6, सेकंड पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। ये आउटकम से टोटल ठीक कितने हो गए? 6 × 6 = 36। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, डबलेट यानी सेम नंबर और बोथ डाइस। फेवरेबल केस कौन से हैं? एक तो ये है देखो, 1 1 6 बन रहे हैं, नीचे 2 2 है, 3 3 फेवरेबल केसेस 6, टोटल आउटकम 36, 1/6। आगे प्रोबेबिलिटी 1/6। सर क्लियर है ये? यस सर। अच्छा दूसरा बताओ, हम अगर प्रोबेबिलिटी निकाले getting sum of 8, sum of 8 मतलब डाइस पे जो नंबर्स आए उनका सम कितना हो? 8। इसमें बताओ क्या बनेगा? फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 8।
इसकी भी हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 8 है। सो 5/36 यस सर, 5/30 कौन कौन से केसेस आ रहे हैं? देखो 8 में इस वाली लाइन तो कोई नहीं है सर, इसमें 2 और 6 ठीक है, पहला आ रहा है 2 और 6, फिर है फिर है 3-5 नीचे, फिर है हाँ 4-4 फिर 5-3 और फिर 6-2 ठीक है। यस सर, यस सर, तो ये हो गया सम ऑफ 8 के लिए 5 फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस। अब तीसरे पार्ट में निकालो प्रोबेबिलिटी दैट सम इज ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8 ओके, प्रोबेबिलिटी निकालनी सम ग्रेटर देन। So 10/36 Yes, sir. आसिफ कितना आ रहा है? सर आपने ग्रेटर देन बी बोला, मतलब बी से छोटा नहीं हो, बी वो मतलब 8 से छोटा नहीं हो, तो यहाँ पे सर तो 15/36 होगा। ग्रेटर देन 8 का मतलब 8 से बड़ा होना चाहिए, ना तो 8 से छोटा हो ना के बराबर हो। बराबर होना चाहिए? नहीं सर, नहीं नहीं, ग्रेटर हो तो यही होगा सेम। अगर ग्रेटर और इक्वल करके लिखा होता तो होता, यस सर, सिर्फ ग्रेटर, ग्रेटर के लिए देखो ये वाले जितने नंबर है इसके नीचे वो सब हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 5/18 यस सर। अच्छा अगर इसमें मैं दोनों चीजें लिखता जो तुम अभी कह रहे थे, सम इज ग्रेटर और इक्वल, यस सर, अब इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, हम लिखते हैं अब पी सम ग्रेटर का निशान भी और इक्वल, यस सर, ये होगा 5/12 ये ग्रेटर वाले केसेस 10 और ये इक्वल वाले 15 हाँ 15/36 3 से कैंसिल कर दो 5/12 सम ग्रेटर देन 12 greater than 12 सर एक ही इसमें कोई है ही नहीं सर, क्या सर greater than 12 नहीं ऐसा 0/36 यानी 0 देखो अब ये probability क्या आ गई 0 यानी ये इम्पॉसिबल इवेंट, यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम दो डाइस रोल करो और सम 12 से ज्यादा आ जाए, कहते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब ये होता है। सिमिलरली अगर मैं ये कहता सम लेस देन 13
लेस देन 13 में क्या हो जाता, सम लेस देन 13 बन होता था सर। फेवरेबल केसेस क्या, ये सारे फेवरेबल केसेस हैं, सारे आ जाते हैं। तो 36 अपॉन 36 यानी 1, तो ये कैसी इवेंट कहलाती, श्योर श्योर, ये श्योर इवेंट। ठीक, यस सर। हम ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, दो डाइस अगर रोल कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारा ये आउटकम का सेट बने। यस सर, ठीक है, ओके सर, करते हैं प्रोबेबिलिटी का। A die is thrown once, एक बार हमने डाई फेंकी। Find the probability of first parted getting number 3, 4, or 5, second getting number 3 and 5, 4. तो जो आउटकम का सेट है वो सिंपल है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पार्ट वन में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3, 4, or 5. क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 3/6। तीन फेवरेबल आउटकम है, या तो 3 आए या 4 आए 5 आए, ये तीनों फेवरेबल है, तीन। और टोटल कितना है, 6, 1/6। सेकंड में इसकी डिविजिबिलिटी, नंबर को ऐसा डिविजिबल हो 3 and 5, इसमें क्या होगा, वन बाई थ्री होगा सर इसका आंसर, 1/3 सर, 3 और 5 दोनों से मतलब ये सर 2/6 इक्वल्स टू 1/3। यस सर, जल्दी नहीं, ये क्या लिखा है इसको समझो, देखो 3 and 5 both 3 or 5 लिखा होता और 3 and 5 लिखा है, इनमें क्या फर्क है दोनों, ऊपर वाले में तो ये हो सकता मतलब 3 या 5, या तो 3 से डिवाइड हो या 5 से। अच्छा, में हम 3 से डिविजिबल वाले ये दो नंबर लेते और 5 से डिविजिबल वाले ये लेते, तो टोटल आउटकम हो जाते 3 एंड 5, यानी ऐसा नंबर हो जो 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो और 5 से भी हो। तो ऐसा जो पहला नंबर है सबसे छोटा वो 15 है, जो 3 से भी, यस सर, और यानी इस केस में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, नहीं 0 अपॉन यानी 0 होगा। प्रोबेबिलिटी में इन दो वर्ड्स पे हमेशा ध्यान रखना, और या एंड, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है अगर और हो या फिर एंड हो। यस सर, नेक्स्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी
that in family three children, there will be at least one girl. Is option 1/2, option B 1/8, option C 7/8, option D 3/4. Yeah. फैमिली है उसमें तीन चिल्ड्रन है, थ्री दे रखे हैं हमें, तो पूछा है कि तीन में से एटलीस्ट कम से कम एक गर्ल हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? ऑप्शन है ए बी सी, हमारा सैंपल आउटकम क्या है, तीन चिल्ड्रन है. मान लो ये चिल्ड्रन वन है, ये टू है, ये थ्री है. अब इनमें से कह रहा है एटलीस्ट वन गर्ल, तो इसका पहले तुम्हें सैंपल स्पेस बनाना होगा. सैंपल स्पेस में शो कर रहा हूँ, ये आउटकम है एक्चुअली. हम कहते हैं सैंपल स्पेस शो करते हैं. क्या क्या बन सकते हैं, सर? पहले तो तीनों बॉय, ये हो सकता है कि तीनों बॉय हो, तीनों बॉय हो. यस सर, तीनों बॉय. फिर फर्स्ट दो बॉय और लास्ट कर लो. सो फिर बॉय, एक मिनट अभी रुक जाओ. देखो तीन चिल्ड्रन है, ठीक है? यस यस सर. हर एक क्या हो सकता है, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा. yes. ये पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे? पहले तो ये नंबर कितने होंगे, जैसे मैं 8 होंगे टोटल. हाँ, कितने होंगे? 8. 8. जैसे 3 कॉइन को अगर हम टॉस कर दें, ये चीज है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. इसमें कितने आउटकम पॉसिबल है पूरे स्क्वायर पावर 3 के? अभी जो टोटल आउटकम होंगे वो 8. अब वो 8 आउटकम तुम्हें बताने हैं. यस सर. 7/8 होगा आंसर इसका, सी. ठीक है. सानिया, क्या हो सकता है 8 आउटकम कैसे बनेंगे? बी भी बनाया. यस सर. एक को चेंज कर दो, मतलब फर्स्ट को हमने मान लो, मान लिया गर्ल, तो ये हो गया दूसरा. फिर मिडिल वाले को मान लिया गर्ल, और फिर लास्ट वाले. yes. एक एक गर्ल. अब मान लो दो दो, तो पहले दो ने गर्ल, फिर बीच वाला हो जाएगा, फिर लास्ट में दो, ठीक, और लास्ट हो जाएगा गर्ल. yes. ये 8 आउटकम है. ये बिल्कुल देखो वैसी है. अगर कॉइन बनाता तो भी मैं ऐसे बनाता, HHH पहले चेंज करता, THH फिर HTH. यस सर. 7/8 आ जाएगा, ऐसा बन जाते है. अब एटलीस्ट वन गर्ल, ये सारे फेवरेबल है, सिर्फ ये फेवरेबल नहीं है एक. यस सर. हमारे लिए प्रोबेबिलिटी at least one girl की हो जाएगी 7/8, यानी 7/8. अच्छा, at least one boy की कितनी होती? At least one boy. Yes sir, ये भी 7/8 8 हो जाती, क्योंकि देखो girl या boy होने की probability same. जैसे head tail में दोनों की same थी, तो एटलीस्ट वन गर्ल का हो या वन बॉय का हो, एक ही बात. अच्छा, एग्जैक्टली वन गर्ल होता तो क्या सर? एग्जैक्टली
की वल्गर। थ्री बाई एट होता फिर सिर्फ एक, तो ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है, ये yes, हो जाएगा थ्री बाई एट। अच्छा एट मोस्ट वन बॉय, एट मोस्ट वन बॉय की क्या होगी? Yes, at most one boy. At most मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बस एक लड़का हो। ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए यार। Four by eight. One वाले? Sir. हाँ? Three by eight होगा। देखो तीन तो। Four by eight होगा sir. मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा हो, कम हो सकता है वन से, कम हो सकता है लेकिन एक से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा तो एक वाले तीनों और प्लस ये जो तीनों गर्ल है, ये वाला ऑप्शन यस सर, ये 4 बाय 8 होगा, ये हो जाएगा 4 बाय 8 यानी ठीक है यस सर। पुश दैट इज करेक्ट एक्जेक्टली। तानिया? Yes, sir. फिर हो गया था, at most one boy? A bag contains 40 marbles. And probability getting a green marble is 3/5. The number of green marbles. डी ऑप्शन होगा सर 24। देखते हैं चलो, अभी बैग में 40 मार्बल है, कौन कौन से कलर के मार्बल है ये कुछ नहीं पता। नेक्स्ट में दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल इज दिस, यानी 3/5 मार्बल, और भी कलर के कुछ होंगे, ग्रीन मार्बल की ये है प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल हम लिखेंगे 24 आएगा आंसर। इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स और नीचे हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल। फॉर्मूला यूज करना है, एक ही फॉर्मूला है इसमें, 3/5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स चलो क्या है टोटल आंसर एक आ गया 40 × 3/5 43। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स out of which X are black. If 6 more black balls are put in the bag, probability a black ball
will be doubled. As that. Option A 6, option B 3, option C 2, option D 9. ये है क्वेश्चन. क्वेश्चन करो क्या क्या दिया है इसमें. अब ब्रैक था इसके अंदर कितनी बॉल्स थी पहले 12 और x कितनी x की ब्लैक बॉल्स मतलब हमें नंबर नहीं पता कितनी थी x. तो कह रहा है कि 6 मोर ब्लैक बॉल्स. कौन सी बॉल ऐड कर दी और 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल विल बी डबल्ड. प्रोबेबिलिटी क्या हो गई डबल हो गई किस चीज की ब्लैक बॉल निकलने की. देन x ये कैसे करेंगे. एक ही फार्मूला उसी पे सोचो कुछ. पहले क्या थी प्रोबेबिलिटी और बाद में क्या हो गई इसके बीच में. सर ऑप्शन ए राइट आंसर. ए 6. यस सर. देन एक्स इज एक्स की वैल्यू 6 आ रही है सर. देखो पहले क्या था 12 बॉल्स की टोटल एक्स ब्लैक बॉल थी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल थी एक्स अपॉन 12. ठीक है. फिर हमने क्या करा आफ्टर एडिंग ब्लैक बॉल हमने कितनी ब्लैक बॉल और ऐड कर दी 6. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या हो गई. केसेस पहले ब्लैक बॉल कितनी थी एक्स और ऐड हो गई 6 प्लस 6 केसेस और टोटल कितना हो गया. पहले 12 बॉल थी 6 और ऐड हो गई ये हो गया 12 बाय 8. यस सर गलत हो गया. अब इक्वेशन 1 और 2 इसके बीच में क्या रिलेशन है. अर्लियर ये पहले वाली प्रोबेबिलिटी थी ये बाद ये न्यू वाली. क्या कह रहा है 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बैग प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल विल बी डबल्ड. डबल इट यस सर. अब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई डबल हो गई. डबल हो गई. Probability is equal to times more probability. मैं लिख सकता हूँ. Yes sir. Yes sir. Clear है new probability जो. Yes sir. यानी 2 times हो गई old probability. New probability क्या है x plus 6 upon 18. Equals to. Old probability x upon 12. पहले कितनी थी 3 थी. अच्छा अगर इसे सिर्फ ऑप्शन से अगर हम करके देखते तो देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है पहले कितनी ब्लैक बॉल है 6. 6. टोटल कितनी थी 12 यानी 6 बाय 12 यानी 1 बाय 2 थी पहले प्रोबेबिलिटी. 6 और ऐड कर दी हमने तो टोटल हो गई 12 ब्लैक बॉल और टोटल बॉल हो गई 18. अब कितनी हुई 2 बाय डबल नहीं हुई देखो. ऑप्शन बी रखें
ये कह रहा है पहले ब्लैक बॉल थी 3, तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी थी 3/12 यानी 1/4। अब क्या करा, 6 और 8 कर दी तो टोटल ब्लैक बॉल हो गए 9 और टोटल बॉल्स हो गए 18। अब कितनी हो गई, 1/2, ये देखो डबल हो गए। 1/4 0.25 होता है और ये 0.5 डबल हो गए। क्लियर हुआ, ये सीधा हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। सानिया? यस सर। हेलो। यस सर। क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। इफ अ लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स इन द वर्ड प्रोरेटा, which have equal probability of being on R. ऑप्शन ए है ए एंड आर, ऑप्शन बी है पी ओ एंड टी, ऑप्शन सी है आर ओ एंड ए, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। देखो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इस बार प्रोबेबिलिटी का। यस सर। इसमें क्या दिया है कि लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम। ये जो एट रैंडम वाला वर्ड लगा होता है प्रोबेबिलिटी के कई क्वेश्चन में तुमने देखा हो, एट रैंडम लिखा होता। क्यों लिखा होता है एट रैंडम? देखो रैंडम का मतलब होता है कि हम बिना किसी बायस्ड हुए, यानी जो भी चीज हम कर रहे हैं उसमें हमने किसी चीज पे कोई फेवर नहीं किया है। जैसे अगर हम बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं एट रैंडम, बॉल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से लेटर हमें सेलेक्ट करने हैं, देखो इसमें P लेटर कितनी बार आया है ये देखेंगे हम। यस सर, ऑप्शन ए होगा इसमें सर। सर ए होगा, ए एंड आर। देखो P वन टाइम आया। यस सर। 3 टाइम्स, O वन टाइम, A टू टाइम एंड R टू टाइम। R सर 2 टाइम, आपने 3 टाइम लिख दिए। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3/5, ठीक। आर की कितनी हो जाएगी, 2/7, O की हो जाएगी 1/7, Q हो जाएगी 2/7 और T की हो जाएगी। अब देखो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है विच हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी, कौन से लेटर है इक्वल प्रोबेबिलिटी।
देखो पी ऑप्शन डी होगा सर इसके यस सर भाई सेवन यस सर आर और ए इसकी प्रोबेबिलिटी है बहुत ऑप्शन जरूर देखो बोथ ए एंड बी यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक यस सर हमेशा ऑप्शन पे जरा ध्यान रखना ये अच्छा क्वेश्चन है एन ईयर सर आई थिंक किसी ने ज्वाइन किया है अभी ठीक है अभी तो क्लास कंटिन्यू है बात कर लें इफ एन ईयर हैज 365 डेज देन द प्रोबेबिलिटी ये बताना है 1/7 2/7 2/360 365 डेज है एक ईयर में कितने डेज होते हैं 365 अगर लीप ईयर होता तो 366 होता ये हम नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं यस सर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज कि उस ईयर में कितने संडे हो 53 इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है ये ऑप्शन है चार इस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं सोचो कुछ ईयर है 365 है 12 मंथ्स होंगे इसमें यस सर कितने वीक होते हैं ईयर में यस सर कितने वीक कितने हफ्ते होते हैं एक साल में 52 होते हैं सर सर 53 कितने वीक्स होते हैं ये बताओ सर वन ईयर है हाउ मेनी वीक्स सर 48 7 से इसे डिवाइड कर दो 7/35 रिमाइंडर बचाओ यानी 52 तो वो कंप्लीट वीक्स होंगे यस सर प्लस वन डे एक्स्ट्रा बचेगा वीक्स यानी हर हालत में एक नॉर्मल ईयर होता है 2 वीक्स होते हैं 52 वीक्स है यानी संडेज भी कितने होंगे सर 52 सर आपकी आवाज नहीं आ रही कितने क्लियर सर सर आपकी बी ब्रेक हो रही है आवाज आ रही है जिस आवाज आ रही है ये देखो 52 संडे तो होते ही होते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा 53 संडे हाँ यानी ये जो वन डे एक्स्ट्रा बचा ये अगर बैठ जाएगा तो 53 संडे 52 + 1 अब ये जो वन डे बचा
इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है हमें ये निकालना है, यानी वनडे है वो उसकी संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फेवरेबल आउटकम है वन और ये वनडे, ये वीक का कोई भी डे हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी टोटल आउटकम हो सकते हैं सेवन और फेवरेबल है हमारा वन। 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी है 1/7। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। देखो 52, अगर यहाँ पे मैं ये पूछता कि 52 संडेज, 52 तो हमेशा होते ही हैं, सिर्फ जो एक एक्स्ट्रा डे बच रहा है ये अगर संडे हो जाएगा तो 53 हो जाएगा। इस जो वन डे एक्स्ट्रा बचा इसकी संडे होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमें एक्चुअली। जी सर। यस सर। फेवरेबल केस में 1, टोटल 0, तो आंसर हो जाएगा 1/7। अब इसी चीज को देखो, मैं क्वेश्चन में कुछ चेंज कर रहा हूँ। अब की बार नॉर्मल ईयर नहीं है, अब की बार हम ले रहे हैं लीप ईयर। लीप ईयर 66 डेज, फेब में 29 हो जाते हैं तो एक डे एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, हर ईयर के बाद रिपीट होता है लीप। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज, अब क्या होगा ईयर में, क्या होगा 366 डेज होंगे। यस सर। अगर मैं 7 से वही चीज डिवाइड करूं वीक्स में तो 52 ही आएगा। लास्ट में लेकिन रिमाइंडर क्या बचा, 2/7 आ रहा है सर। चलो 2 डेज बचे, 2 डेज बचे रिमाइंडर। यस सर। प्लस 2 डेज, 52 संडे तो हो ही गए फिक्स पहले ही। जी सर। अब ये दो तो बताना हमें, टू डेज में मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से नहीं होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। दो दिन तो होंगे एक्स्ट्रा, टू डेज इस तरीके से ऑप्शन होगा, मंडे या मंडे, फिर मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे या फिर सैटरडे संडे, संडे के बाद फिर ये रिपीट होने लगेगा संडे मंडे। तो अब देखो फेवरेबल केस कितने होंगे हमारे, 7। अच्छा सर। फेवरेबल जिसमें संडे आए, फेवरेबल वो है जिसमें संडे आए, एक ये है देखो संडे आ रहा है, 2 और एक ये है, मैंने तो बोला 7 आ रहा है इसका, आंसर सही बोला लेकिन लॉजिक क्लियर होना चाहिए। संडे एक ये केस बनेगा और एक ये। अब जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 53 संडेज होने की लीप ईयर में वो कितनी हो जाएगी, 2/7। ठीक, नॉर्मल ईयर है 53 संडेज की 1/2 और अगर लीप ईयर है तो उसकी क्लियर। यस सर। संडे की जगह आप चेंज कर दो वेडनेसडे, आंसर वही होगा, लॉजिक ये। ठीक, अब यस सर। ठीक है वो कार्ड्स वाला। यस सर। कार्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं, कार्ड्स कार्ड्स के लिए कितने कार्ड होते हैं टोटल, कार्ड्स 52 52 को हम दो पार्ट में, जैसे वेडनेसडे
Yes, so red and black. Red and 26 red होते हैं, 26 black. Black. अब red में फिर दो होते हैं. So here 13 होते हैं and diamond 13 होते हैं. 13 diamond. 13. Black में club 13 is spade 13. अब ये further 13 में क्या होता है? King होता है. Queen. Jack. और फिर number होते हैं. कहते हैं is of it 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. टेन नंबर वाले कार्ड थे और ये किंग क्वीन जैक ये तीन ये हो गए, ये फेस कार्ड होते हैं. इसी तरीके से सब में यही रिपीट होता है. ये क्लियर है डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड का? अगर कोई तो एक बार गूगल पे आप डाल के देख लेना बैक ऑफ 52 टोटल कार्ड होते हैं, 26 रेड, 26 ब्लैक, रेड फिर 13 13 होते हैं, 13 डायमंड, 13 हार्ट्स, जैसे ब्लैक 13 क्लब, 13 स्पेड, फिर किंग होता है, जैसे किंग ऑफ डायमंड हो गया ये, किंग क्वीन ऑफ डायमंड, जैक, ऐसे हार्ट्स का किंग, क्वीन नंबर होंगे वन, वन को हम एस भी कहते हैं, पॉकेट टू फोर, ऐसे सब में यही रहेगा. क्वेश्चन का जो डायरेक्ट आपको अगर ये आगे बोले आगे सवाल के टाइम आगे इससे नहीं बोले क्लियर है कि ये काम करते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन करते चले जाओ. बताओ एबिलिटी ऑफ, आवाज क्लियर नहीं आ रही. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, रेड कार्ड निकालने की क्या होती है प्रोबेबिलिटी? हेलो रेड कॉल वन अपॉन फोर सर. हाँ देखो फेवरेबल रेड वन अपॉन टू. हेलो 26 है रेड, 26 अपॉन 52. 26 upon 52. Yes, sir. Yes. Probability of black. King of spade. King of spade कितनी होगी? 1/13. देखो king king किसमें होगा spade ही यहाँ पर king होगा. Yes, sir. कितने कार्ड है? सिर्फ एक. टोटल कार्ड्स कितने? 52. 1/52. अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, ये देखो तीन डायमंड के हैं और तीन हार्ट्स के हैं. यस सर. रेड फेस कार्ड कितने हो गए? 6. Six. Six upon 52. Probability of king card. Card की probability. 1/4. 4/52. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 52. तो 4? Yes, sir. 4 upon 52. Yes, sir. The probability of black queen. 2, 1, 52, sir. Yeah, we bought it, yeah. Black queen. Yes, sir. कितनी प्रोबेबिलिटी?
टू अपॉन 52 होगी ना सर. यस सर. एक क्लब का क्वीन है और एक है स्पेड पर. स्पेड का ये लड़की है. इस कार्ड इस कार्ड हाँ 4/52. ठीक, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन बता सकते हैं. यस सर, ये याद रखने सारे आपको. एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं आज की क्लास का. फॉर्म पैक ऑफ 52 कार्ड्स ब्लैक जैक आर रेड क्वीन ब्लैक किंग एंड कार्ड इज ड्रॉन. नाउ कार्ड इज ड्रॉन from the back of winning cards. पहला पार्ट है probability that card drawn back. Second probability of दो probability निकलती है. क्वेश्चन में क्या दिया है? पैक का 52 कार्ड का चार कार्ड गिर गए. ब्लैक रेड क्वीन एंड टू ब्लैक किंग ये फेल डाउन हो गए. अब हमने एक कार्ड को ड्रॉ किया तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि कार्ड जो हमने निकाला वो ब्लैक होगा ये बताना है फर्स्ट पार्ट में. सेकंड में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और रेड. तो पहला देखो ब्लैक ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी. अगर नॉर्मल पैक होता तो क्या होता 26 हो जाती 26/52. यस सर. इस बार क्या हो रहा है चार कार्ड गिर गए. वन ये और दो ये प्लस यानी टोटल ऑफ कार्ड कितने बचे 48. अब फेवरेबल केस ब्लैक कार्ड कितने बचे ये देखना है. 26 में एक तो ये ब्लैक गिर गया यानी 25 और दो ये ब्लैक गिर गए 23. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड क्या हो जाएगा सिंपल 23/48. अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो किंग और देखो और है यहाँ रेड क्वीन. टोटल कार्ड तो 48 है. किंग 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 कितने होते अगर नॉर्मल कार्ड होता तो चार. कोई किंग गिरा भी क्या ये देखो तो माइनस करना पड़ेगा हमें. ये तो ब्लैक जैक है. नो सर किंग नहीं गिरा क्वीन है. ये है देखो इधर इधर ब्लैक किंग. ब्लैक किंग्स यस सर गिरा. तो सिर्फ दो किंग बचे रेड वाले दो किंग बच रहे हैं यानी प्लस रेड क्वीन. रेड क्वीन दो होती है दो में से बची रेड क्वीन एक. फेवरेबल केस हमारे पास दो किंग बचे एक
हम जंका से हम लगाते क्या फलाते तो ये हो गया 1/6 क्लियर है आतिफ सर यस सर अरमान सर दोबारा समझा दो क्या समझ में नहीं आया सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा चलो अभी तुम्हें समझा देते हैं ठीक है आसिफ और सानिया फिर आज की क्लास yes, करते हैं yes, sir. मैं और बात थोड़ी बात कर लेता हूँ ठीक है ओके सर ओके थैंक यू सर हाँ जी अरबाज सर जी सर मैं कह रहा हूँ दोबारा समझा दो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कुछ भी समझ में नहीं आया